आई एम चिका, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के साथ मॉकटेल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको कोला मॉकटेल्स बता रही हूँ। और दूसरा जो मॉकटेल है उसका नाम है ऑरेंज ब्लॉसम। ये मैंने लिया है, एक कोको कोला की बॉटल ली है मैंने, थोड़ी सी मैंने चॉकलेट सॉस भी लिया है। डेकोरेशन के लिए मैं ले रही हूँ चोको चिप्स, थोड़ा सा इसमें दूध चाहिए। इसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे थोड़ी सी वैनिला आइसक्रीम, जो कि मैंने घर पे बताई है। आइसक्रीम की लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने चार तरह की आइसक्रीम बताई है, उसमें ये आइसक्रीम बनी हुई है। दूसरा जो मॉकटेल मैं आपको बताऊंगी ऑरेंज ब्लॉसम, उसमें मैं यूज़ करूंगी फैंटा का यूज़ कर रही हूँ। ऑरेंज ड्रिंक लेंगे जिसमें मैं फैंटा का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी से मैं वैनिला आइसक्रीम भी इसमें डालूंगी। थोड़े से बर्फ के क्यूब चाहिए हमें। सबसे पहले हम ग्लास में चॉकलेट सॉस डालेंगे। एक चम्मच के करीब मैं इसमें चॉकलेट सॉस डाल रही हूँ। मैं मैंने चॉकलेट सॉस डाला है इसमें। अब मैं इसमें आधा कप के करीब मिल्क डाल रही हूँ, बिल्कुल चिल्ड मिल्क है। इसके अलावा मैं बर्फ के कुछ क्यूब्स रखे मैंने, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। अब इसमें हम कोक डाल रहे हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है ये मॉकटेल। हम एक चम्मच वैनिला आइसक्रीम की डालेंगे। अच्छी तरह से शेक कर रहे हैं इसे। करते समय हम इसमें डालेंगे थोड़े से चोको चिप्स डालेंगे इसे। और मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी तरह की ऐसे इसे सर्व करें, इस तरह की स्ट्रॉ लें जिसमें स्ट्रॉ भी हो और स्पून भी हो, ताकि हम इसमें इस ड्रिंक को हम मॉकटेल को पी भी सकें, और बीच में यदि हमें आइसक्रीम खाना है तो हम चम्मच से आइसक्रीम खा भी सकें। मॉकटेल हम बना रहे हैं ऑरेंज ब्लॉसम, जिसमें कोई भी अब हम ऑरेंज ड्रिंक ले सकते हैं। इसमें मैं फैंटा का यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम आधा गिलास के करीब फैंटा लेंगे। बर्फ के चार पांच क्यूब डालेंगे हमें। हम इसमें ये देखिए एक चम्मच वैनिला आइसक्रीम की डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है ये मॉकटेल। थोड़ा सा इसे स्टर करें। दोनों मॉकटेल्स तैयार हैं। बहुत ही आसानी से हम इसे घर पर बना सकते हैं। और इसे बनाने में मुश्किल से हमें 5 से 7 मिनट लगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह से आपको छोटी छोटी सी नई नई रेसिपीज देती रहूं।